so now we are going to see that uh, if the population of a country or an area increases how it can affect market equilibrium uh, market equilibrium means how it will affect demand uh, and price of a commodity or a certain goods and services uh, so for this purpose uh, let me select a pen first i am going to draw the diagram for market uh, equilibrium so suppose this is our quantity demand quantity supply and this on y-axis we are going to measure price of a commodity so this is our demand curve d1 and this is our supply curve s1 so at this point which is known as equilibrium point suppose the quantity demand and supply are 100 and quantity price uh, प्राइस इज इक्वल टू टेन सो दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम बिफोर द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन के बढ़ने से सबसे पहले वो क्या चीज मुतासिर होगी तो सपोज करें कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल इन द एरिया हैज इंक्रीज जब किसी इलाके में पापुलेशन की तादाद बढ़ जाए लोगों की तादाद बढ़ जाए तो उससे सबसे पहले वहां की चीजों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी और कीमत पे कीमत में कोई चेंज नहीं आई थी ये जो डिमांड बढ़ी है ये पापुलेशन के बढ़ने की वजह से बढ़ी है तो मैं एक नया कर्व बनाऊंगा जो कि इस बात को जाहिर करेगा कि डिमांड पहले से ज्यादा है so demand curve will shift to the right now supply curve is the same and both are intersecting each other at this point it is e2 and this was for example e1 now we have a new equilibrium point here demand is greater than before which is 120 and price is also ग्रेटर देन बिफोर सपोज दिस इज 15 अब इस डिमांड के बढ़ने की वजह से आपकी प्राइस बढ़ गई है और ओवरऑल इक्लिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई है अब जो डिमांड है वो तो शिफ्ट हुई है लेकिन जो सप्लाई है उसमें जो चेंज आई है उसको हम मूवमेंट कहते हैं और ये मूवमेंट प्राइस की वजह से होती है तो अगर मैं इसको आपको इसका सिक्वेंस समझाऊं कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से Uh, आपकी ओवरऑल डिमांड पे क्या असर पड़ा है और बाकी तमाम चीजें कैसे चेंज हुई हैं तो सबसे पहले काम यह हुआ था कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ी दूसरा काम ये हुआ कि आपकी उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई और इस डिमांड के बढ़ने की वजह से योर प्राइस हैज इंक्रीज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस

ऑन मार्केट इक्लिब्रियम अ वेरी सिंपल डायग्राम इसकी आप प्रैक्टिस करें तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इंक्रीज इन इनकम विल अफेक्ट मार्केट इक्लिब्रियम अगर लोगों की उस इलाके के रहने वाले लोगों की इनकम बढ़ जाए तो उसकी बुनियाद पर मार्किट इक्लिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा सो अगेन आई एम गोइंग टू ड्रा द सेम डायाग्राम तो सपोज दिस इज क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड दिस इज प्राइस सो दिस इज मार्केट इकलिबियम सपोज ई वन मार्केट में हंड्रेड डिमांड है सप्लाई भी उतनी है और कीमत जो है वो दस है अब अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए लोगों की इनकम बढ़ने से सबसे पहले डिमांड पे असर होगा या सप्लाई पर असर होगा जब लोग अमीर होते हैं तो वो चीजों की ज्यादा डिमांड करते हैं अगेन क्या होगा इससे आपकी डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो आपका ये कर्व राइट को शिफ्ट होगा जब राइट को शिफ्ट होगा तो सपोज दिस इज वन थर्टी एंड योर न्यू प्राइस इज फिफ्टीन नाउ योर प्राइस हैज इंक्रीज योर ओवरऑल क्वान्टिटी हैज इंक्रीज अगेन वी नीड टू सी द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस सो दिस दिस वाज योर फर्स्ट एक्शन इनकम ऑफ पीपल हैज इंक्रीज उसकी वजह से डिमांड बढ़ी है तीसरी चीज ये है कि उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई है और चौथी चीज ये है कि सप्लाई प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ी है तो ये आपका इम्पैक्ट है जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि फ्यूचर में इसी डिमांड को इसके बढ़ने की वजूहत भी आप देखेंगे जाहिर है उसमें लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें पॉपुलेशन है इसका इम्पेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे क्या होगा ये हम देखेंगे सो so, एक और इसी तरह के क्वेश्चन की या सिनेरियो की प्रैक्टिस करते हैं एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट मार्केट इक्लिब्रियम सो अगेन आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम सो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी पहले चीजें सपोज करें कि हाथ से प्रोड्यूस होती थी अब नई मशीनरी आ गई है तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस कमोडिटीज वो बढ़ गई है बेहतर हो गई है तो सबसे पहले असर किस चीज पे पड़ेगा सबसे पहले असर पड़ेगा सप्लाई पे अगर आप हाथ से चीजों को प्रोड्यूस करें तो कम तादाद में प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी uh, को यूज करें लेटेस्ट टेक्निक्स को यूज करें तो सप्लाई आप बढ़ा सकते हैं तो दिस इज फर्स्ट थिंग और इसका इंपैक्ट ये होगा कि सप्लाई विल इंक्रीज अब सप्लाई को बढ़ाना है आपने तो डिमांड को हम चेंज नहीं रहे अब सप्लाई को चेंज करें तो सप्लाई का एक नया कर्व है एस टू फॉर एग्जाम्पल पहला कर्व आप इसका नाम एस वन रख लें और अब जो नया मार्केट लिब्रम है पहले ई वन था नाउ यू आर एट दिस प्वाइंट वेयर डिमांड इज इंटरसेक्टिंग एस टू यू कैन असाइन एनी फिगर तो सपोज करें कि कीमत अब पहले से चूंकि कम है तो हम दस से कम उसको शो करते हैं ओवरऑल क्वांटिटी पहले से ज्यादा है तो हंड्रेड से एक सौ बीस हो गई है अब आप दोबारा इस सीक्वेंस पे गौर करें और लॉजिकली सोचें कि चीजों की टेक्नोलॉजी बढ़ी उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स सप्लाई बढ़ाने के काबिल हुए तीसरा असर यह होगा कि इससे चीजों की कीमत कम हो जाएगी चौथा असर यह होगा कि जब चीजों की कीमत कम होगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है अब आपके लिए पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ए, क्या लेसन है इस चीज के अंदर कि जब भी इलम हासिल किया जाता है जब भी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाता है लेटेस्ट टेक्निक्स को एडोप किया जाता है तो उससे माशरे में इन्फ्लेशन कम हो जाती है आप देख लें कि आज से आ, कुछ अर्सा पहले जब नए मोबाइल फोन आए थे तो इनकी कीमत ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की कीमत जब वो इंट्रोड्यूस होती है तो उनकी कीमत ज्यादा होती है आ, आज के कंप्यूटर्स पहले के कंप्यूटर्स के मुकाबले में बहुत सोफिस्टिकेटेड है बहुत एडवांस हैं लेकिन आज के कंप्यूटर्स पहले के कंप्यूटर्स के मुकाबले में सस्ते हैं आ, उसकी वजह एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से मैस प्रोडक्शन की वजह से जब सप्लाई बढ़ती है तो अल्टीमेटली चीजों की कीमत कम हो जाती है तो लेसन यह है कि अगर आप किसी चीज़ की कीमत को कम करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं सबसे बेस्ट सोल्यूशन यह है कि आप उसकी सप्लाई को बढ़ा दें लोगों की वेलफेयर भी बढ़ेगी इन्फ्लेशन भी कम होगी मार्केट एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी और ओवरऑल वेलफेयर पहले से ज्यादा होगी तो दीज आर सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट है इसकी बुनियाद पर अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मेक्रो uh, इकनॉमिक्स की तरफ चलेंगे और ये देखेंगे कि हाउ दीज कन्सेप्ट और हाउ केन वी लिंक मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स विद पापुलेशन एंड अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स